आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन है यहाँ पर। ये आज एक एडिटोरियल भी आया है सेम सेक्स मैरिज के बारे में, तो इसके बारे में क्वेश्चन भी होगा आप लोगों के सामने, जो आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ये हमारी कंट्री में काफी बड़ा इशू बना हुआ है फिलहाल, अभी रिसेंटली पेंडेमिक के चलते फिर से न्यूज में आ गया है, तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में। तब तक आप लोग ये बताइए, क्या हमारी कंट्री में सेम सेक्स मैरिज जो है वो अलाउ करना चाहिए, यानी कि लड़की लड़की आपस में शादी करे और लड़का लड़का आपस में शादी करे, तो क्या इसको अलाउ करना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों? अगर लोगों से इंटरव्यू भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं यहाँ पर ये, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में ये इश्यू बार बार सामने निकल कर आ रहा है। और हमारी कंट्री में क्या क्या प्रोविजन है आज की डेट में इन चीजों को अगर इंप्लीमेंट करना है, अगर इंप्लीमेंट नहीं करना है तो इससे क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, इंप्लीमेंट करना है तो क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, तो काफी कुछ डिटेल में हम लोग इस एडिटोरियल में इसको डिस्कस करेंगे। तो पर्सनली ये काफी एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल लगा मुझे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंटरव्यू भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, आंसर राइटिंग के लिए भी डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन आ सकता है, और जो प्रीलिम्स में जो फैक्ट होते हैं जिसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जो भी रिसेंट डिसीजन है उनके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन रहेगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले यहां पर आज द हिंदू न्यूज़पेपर ने भी कवर कर ही लिया आखिर बाबा का ढाबा। तो बाबा का ढाबा आप लोगों ने कई बार सुना होगा, काफी ज्यादा न्यूज में है यहाँ पर। ये है यहाँ पर एक यूट्यूबर जिनका नाम है गौरव, इनके द्वारा यहाँ पर न्यूज में लाया गया था बाबा का ढाबा उस टाइम पर, यहाँ पर लास्ट टाइम जब पेंडेमिक चल रहा था तो यहाँ पर ये न्यूज में आ गए थे। क्यों? उसका रीजन ये था कि इनका ढाबा सही से चल नहीं रहा था, तो इन्होंने बोला कि यार हेल्प करो जाकर, बहुत सारे लोग आ गए हेल्प करने के लिए, ऑनलाइन पैसा भी इकट्ठा हुआ, कई सारी कॉन्ट्रोवर्सी बन गई, कईयों ने बोला कि ये पैसा खा गए, फिर यहाँ पर बोला कि पैसा नहीं खाया गया, तो बहुत सारी ऐसी उल्टी सीधी चीजें चलती रही जिसमें कि मीडिया ने काफी खूब मजे लिए बीच में। तो उसके चलते जो दिक्कत अभी देखने को मिली यहाँ पर कि ये जो इंसान है यहाँ पर, ये जो बुजुर्ग इंसान है यहाँ पर जिनका नाम है बाबा और इन्हीं के नाम पर चलता है ये ढाबा, तो ये आज की डेट में इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि इनके द्वारा सुसाइड करने की कोशिश की गई, तो उसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है। देखिए कहीं ना कहीं अगर आप लोग स्टार्टिंग से अगर चीज देखकर चले तो यहाँ पर आप लोग मीडिया का रोल किस तरीके से हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है वो आप लोग बता सकते हैं। जब इन्होंने इनकी हेल्प की थी तो उस टाइम पर ये हो सकता था कि यहाँ लोग हेल्प करें और मैटर वहीं पर ही खत्म हो जाए, पर लेकिन वहीं पर मैटर खत्म नहीं हुआ, मैटर बढ़ता चला गया, कहीं पर इनकी भी गलती वहां पर रही, कई सारे लोगों ने इनको अलग तरीके से गुमराह करने की कोशिश की और ये भी गुमराह होते चले गए, तो उसके चलते कंडीशन और ज्यादा एक क्रिटिकल कंडीशन यहां पर हो गई। तो फिलहाल अभी ये बोला गया कि अभी एडमिट है यहां पर हॉस्पिटल के अंदर में। तो इसी के चलते यहां पर हमारी कंट्री में जो सुसाइड के बारे में जो केसेस निकल कर आते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था द हिंदू न्यूज़पेपर बेस्ट न्यूज़पेपर है जो सुसाइड के केसेस को कवर करता है और साथ ही यहां पर हेल्पलाइन भी प्रोवाइड कराता है। अगर कोई भी पर्टिकुलर सुसाइड कर रहा है सोसाइटी के अंदर तो यहां पर आप लोग आगे ऐसी हरकतें नहीं देखने को मिले तो उसको रोकने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है 011-4076, इसी के साथ में 9002। तो ये मंडे टू सैटरडे यहाँ पर ओपन रहता है, अगर किसी के भी मन में ये गंदी भावनाएं आती हैं सुसाइड कर लेते हैं और इससे जीवन की जो भी समस्याएं हैं उनमें बेसिकली चेंज आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इससे और परिवार के ऊपर दिक्कतें पड़ने वाली हैं। अभी दो दिन पहले भी अभी एक मेल पड़ रहा था, उसमें बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है, अभी एक जॉब चल रही थी छोटी सी वो भी छूट गई है, अभी माँ बाप के सामने सर उठाकर चल भी नहीं पाता हूँ, ऐसा मन कर रहा है सुसाइड कर लूँ। तो सुसाइड करने से क्या माँ बाप की दिक्कतें दूर हो जाएंगी? तो ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए काम करिए जो भी कर रहे हैं। हर एक इंसान जो है वो दिक्कत से जूझ रहा है, उसका सॉल्यूशन सुसाइड नहीं होता है, अगर सुसाइड सॉल्यूशन होता तो दुनिया के बड़े बड़े लीडर सुसाइड कर अपना काम करके निकल लिए होते, तो यार ये सब तरीके सही नहीं है। तो यहां पर एक जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है मीडिया की उसके बारे में भी कुछ लिखने के लिए आया एग्जाम में, तो वहां पर भी आप लोग एक छोटा सा उदाहरण तो कम से कम कोट कर ही सकते हो कि एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में किस तरीके से उसको चेंज किया जा सकता है मीडिया के द्वारा। जैसे अभी एक जो पर्टिकुलर एक जो सिंगर थी, नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, जो हीरोइन जो सिंगर नहीं थी जो जिनको हिमेश रेशमिया साहब के द्वारा सामने लाया गया था निकालकर, ठीक है, वो बोला जा रहा है कि फिर से उसी सिचुएशन में पहुंच गई है। तो ये कुछ ऐसे केसेस है कि मीडिया के द्वारा रातों ही रात जो चकाचौंध सामने निकल कर आते हैं और फिर वहीं पर पहुंच जाते हैं। तो मीडिया का रोल क्या हो सकता है एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में, ठीक है, किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, तो ये कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों को अवेयर रहना है, और अगर कुछ क्वेश्चन बने तो एग्जाम्पल आप लोगों के पास में होना चाहिए, अगर उदाहरण आप लोगों के पास में रहेगा तो आप लोग ज्यादा बेटर तरीके से उसको टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, काफी कुछ आज के इस डिस्कशन में हम लोग देखेंगे काफी शानदार। इससे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर टोरेस स्टेट के बारे में, तो आप लोगों को बताना है ये किसके बीच में लोकेटेड है या फिर कहां पर लोकेटेड है, ये क्वेश्चन आप लोगों से एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा।
तब तक आप लोग इसको देखिए, बात की जा रही है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में, यहां पर पपुआ न्यू गिनिया उसी के साथ में इंडोनेशिया के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनिया के बीच में, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो आप लोगों के हिसाब से सही आंसर क्या है, तो मैं भी दिखाऊंगा आप लोगों को, वीडियो के एंड में देखेंगे इसको अच्छे से, चीजों को समझेंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं उसको आंसर को जरूर एक तरीके से अटेम्प्ट किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, गलत हो जाएगा ना, और अगर यहां पर गलत हो गया एग्जाम में गलत नहीं होगा फिर, तो इसका मतलब यह कि यहीं पर ही गलती कर लो, तो गलती कर सीख लो, अगर एग्जाम में गलती करोगे तो फिर आप लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है उसका। तो अपने टाइम को सेव करने के लिए प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ज्यादा बेटर है, ओके। आइए अब चलते हैं आर्टिकल के ऊपर, यहां पर कई सारे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पहले ओवरव्यू लेंगे न्यूज़पेपर का और फिर उसके बाद में हम लोग चीजों को आगे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया है, जो हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया है, अभी जो एक्टिविस्ट थे उनको बेल देने के लिए, यानी कि अभी हमारी कंट्री में क्या किया गया, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो जेल में थे, उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे यूएपीए के तहत, जो कि जिसको यूएपीए के तहत जो आरोप लगाए गए थे, क्योंकि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनको बोला गया कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि कोई अनलॉफुल एक्टिविटी न हो देश के अंदर में और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे, उसको प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी यानी गलत कुछ माहौल देश में न बने उसको रोकने के लिए यहां पर हम लोगों ने इनको पकड़ा। पर लेकिन यहां पर जब सामने निकल कर आया कोर्ट में डिसीजन, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि गलत तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया और अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत अगर किसी को पकड़ा जाता है तो उसको बेल नहीं मिलती, पर लेकिन यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इसको बेल दे दी गई, बोला कि ये नॉर्मल एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनके द्वारा कोई भी ऐसा माहौल क्रिएट नहीं किया गया वहां पर जिसकी वजह से यहां पर इनको पकड़ा गया है। तो उसी के चलते जो दिल्ली पुलिस थी वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट को चाह रही थी कि वहां पर ये दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया इनको बेल देने के लिए उसको खारिज कर दे, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया गया इंटरवीन करने से कि ऐसा कुछ नहीं है, जो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया है वो सही है, पर लेकिन एक बात और बोली गई है कि ऐसा नहीं है कि ये जो डिसीजन है इसका इंपैक्ट फ्यूचर में पड़ने वाला है काफी लार्ज स्केल पर, कि जो भी जो प्रोसीडिंग जो चल रही है, जो भी आज के में जो भी चीजें चल रही हैं उनके ऊपर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। तो केस टू केस चीजें देखी जाएंगी, ये नहीं है कि आप लोग इस तरीके से एक पर्टिकुलर केस को दूसरी जगह पे आकर इंक्लूड करोगे। तो ये एक फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का ये स्टैंड है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिकली, अभी यूएपीए के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कल भी और परसों भी आर्टिकल डिस्कस किया था, तो ये ऐसी चीजें रिपीटेडली न्यूज में आती रहती है, ठीक है। तो अगर रेगुलर न्यूज़पेपर सुनते हैं तो ये तो फायदा रहता है, बहुत सारी चीजें आप लोग रिवाइज हो जाती है और लंबे समय तक याद रख पाएंगे। जैसे फिर से यहां पर अभी देखिए न्यूज में आ गया, अभी मैं आप लोगों को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में डिस्कस करूंगा, एक बार और रिविजन हो जाएगा किसके बारे में बात कर रहा हूं यहां पर। ये अभी चार जो पर्सन है वो पकड़े गए फेक वैक्सीन कैंप चला रहे थे, यानी कि वैक्सीन एक तरीके से लोगों को लगा रहे थे, वो भी फेक तरीके, एक तरीके से फेक वैक्सीन यहां पर। तो इस तरीके की कई सारी घटनाएं आप लोगों को देखने को मिली रिसेंटली। अभी कोई फेक दवाई बेच रहे हैं, यानी कि दवाई के अंदर पानी मिलाकर उसमें नमक मिलाकर, तो बेसिकली ऐसी ऐसी चीजें की जा रही है, नमक के जो पानी के अंदर नमक मिलाकर उसको शीशी में पैक कर ऐसी ऐसी दवाइयां बेची गई, कम से कम 2 लाख तक बेची गई थी महाराष्ट्र के अंदर में। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। अगर आप लोग सोचिए आप लोग पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, एथिक्स के अंदर क्वेश्चन बन जाएगा कि आप लोगों के एरिया में इलीगल तरीके से काफी लार्ज स्केल पर इस तरीके से पैंडेमिक के ड्यूरेशन पे दवाइयां बेची जा रही हैं, तो आप लोग उसको कैसे टैकल करोगे। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनमें आप लोगों को बैठकर थोड़ा सोचना चाहिए, अगर एग्जाम में आए या इंटरव्यू में पूछे एथिक्स में बन जाए क्वेश्चन तो वहां पर लिख सके। अभी मैं आप लोग कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं जो कि आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से सुनिएगा। बात करते हैं यहां पर इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल को हम लोग इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी एक ऑपरेशन चलाया गया, ये जो ऑपरेशन था इसका ऑपरेशन का नाम था पेंजिया, PANGEA, ठीक है। तो जो पेंजिया ये ऑपरेशन था यहां पर, ये पेंजिया 14 करके ऑपरेशन था यहां पर, यानी कि ऐसा है कि पहले भी ऑपरेशन चलाया गया तो अभी 14वें नंबर का ऑपरेशन था यहां पर। ये बेसिकली काम क्या करता है, अगर कोई फेक दवाइयां बेच रहे हैं ऑनलाइन, कोई ऐसे प्रोग्राम चला रहा है जो कि फेक है, जो कि वैलिड नहीं है, गलत तरीके से यहां पर चीजें प्रोवाइड कर रहा है पैसा कमाने के लिए, तो इनके द्वारा ऐसे ऑनलाइन चीजें बेचते हुए पाए गए लगभग 1.10 लाख वेब लिंक, यानी कि 1,10,000 के करीब यहां पर ऐसे ऑनलाइन आप लोगों को वेबसाइट या फिर ऑनलाइन ऐसी चीजें एप्लीकेशन वगैरह आप लोगों को देखने को मिले जिनपे इस तरीके फेक तरीके से काम यहां पर किया जा रहा है। तो इनके द्वारा सोचे कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, ये इंडिया के अंदर की बात नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ही प्रॉब्लम है, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को ये दिक्कत देखने को मिल जाएगी। तो इसके चलते इनके द्वारा जो एफर्ट लगाया जा रहा है तो उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि गलत दवाइयां अगर किसी को बेची जाए और उसकी वजह से किसी की जान चली जाए तो कौन उसकी भरपाई करेगा। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है, इसके ऊपर आप लोग कुछ सोच सकते हैं बैठकर। अगर बात करें तो ऑपरेशन
टेंजिया 2008 में ये स्टार्ट किया गया था, मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था ये अपनी जो नैनो मैगजीन आती है उसके अंदर भी, ठीक है। तो हमारी कंट्री में जो यहाँ पर इंटरपोल को सपोर्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो वह सीबीआई। आप लोगों ने देखा होगा मेहुल चौकसी वाला जो केस था उसमें यहाँ पर सीबीआई के थ्रू, यहाँ पर इंटरपोल की हेल्प के थ्रू यहाँ पर रेड नोटिस इशू किया गया था मेहुल चौकसी के खिलाफ। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं मिसिंग पर्सन के खिलाफ कौन सा नोटिस इशू किया जाता है इंटरपोल के द्वारा, ये आप लोग बताइए। तो सीबीआई यहाँ पर हमारी कंट्री में काम करेगी, इंटरपोल का पार्ट होगा, ताकि जो भी थ्रेट है पब्लिक हेल्थ को लेकर उसको यहाँ पर टैकल किया जा सके, यहाँ पर कोविड-19 के चलते जब हम लोग बात करते हैं। तो ऐसे मुद्दे अगर सामने आए तो आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए डायरेक्ट आप लोगों से कि ऑपरेशन जो पेंजिया है ये किस के द्वारा ऑपरेशन है और किस चीज से रिलेटेड है, तो आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, बात करते हैं आईटी रूल 2021 के बारे में। तो ये जो आईटी रूल 2021 है बेसिकली हमारी कंट्री में ये फरवरी 26 में 2021 में इनको पब्लिश किया गया था। इनका बेसिक पर्पज ये था कि जो भी ऑनलाइन जो मीडियम है उनको टैगल किया जा सके और 3 महीने का टाइम दिया गया उनको 26 मई 2021 तक का, पर लेकिन ऑनलाइन जो मीडियम थे वो उसको फॉलो नहीं कर पाए, तो इसके चलते गवर्नमेंट जो है अब यहां पर कई स्टेप उठा रही है। ट्विटर के खिलाफ भी कई सारे स्टेप उठाए गए, ट्विटर के खिलाफ अभी रिपोर्ट भी जारी की गई थी, यहाँ पर रिपोर्ट की गई थी ट्विटर के खिलाफ एफआईआर कहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर में, कि यहाँ पर ट्विटर जो है उसका जो प्लेटफॉर्म है उसको यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी कि कोई गलत कंटेंट अगर उसके ऊपर पब्लिश करता है तो यानी कि यहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलर इंसान गलत कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं तो ट्विटर को रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, ये बातें बोलेगी। तो अभी उसी के चलते रस्साकसी चल रही है, ट्विटर बोल रहा है कि ये एक तरीके से जो राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करते हैं तो वो नहीं मिल पाएगा, पर हाँ कुछ गलत चीजें हो रही है तो हम लोग उसके ऊपर ध्यान देंगे, तो वही सब बातें यहां पर चल रही है, ठीक है। आगे अगर बात करें यहां पर देखिए आप लोगों को पता है कैसी कंडीशन बन रही है देश के अंदर, तो लॉकडाउन के चलते बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है, तो कई सारे लोग जो हैं काफी अच्छे लेवल पर यहां पर ऐसी मुहिम चला रहे हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है अपने दायरे में रहकर किसी की हेल्प कर सकते हैं तो जरूर हेल्प कीजिएगा, ताकि किसी को दो वक्त की रोटी तो कम से कम मिल जाए, अगर इंसान भूखे मर रहे हैं तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां से आप लोग देखते हैं चीजें, तो ये अच्छा है काफी अगर कुछ भी ऐसा आप लोग कर पाते हैं अपने बेस पर। हाँ एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन, जैसे फेसबुक ग्रुप के अंदर या फिर टेलीग्राम पर जहां आंसर राइटिंग करते हैं कई बार ऐसे फेक इंफॉर्मेशन भी वहां पर शेयर की जाती है, वो आप लोगों से डोनेशन मांगेंगे कि इसकी हेल्प कर दो, पता नहीं क्या क्या शेयर किया जाता है, तो कई सारी चीजें जो हैं गलती से अलाउ भी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अलाउ करनी होती है तो कई बार बटन दब जाता है, ठीक है। तो वो फिर ढूंढता हूं तो कई बार मिलता भी नहीं, क्योंकि पता नहीं कहां चला जाता है, एकदम होने लगता है कि अलाउ कर दिया और फिर जाकर उसको फिर से ग्रुप में देखोगे मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो इसके चलते अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जाती है तो उसको आप लोग उस पर ट्रस्ट ना कीजिए, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग भी, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूं कि ऐसी कोई चीज ना हो, पर लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी गलती हो जाती है तो थोड़ा सा आप लोगों को भी सतर्क रहना है, ओके। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी को भी इस तरीके से आप लोग अपनी जो मेहनत की कमाई ऐसी मत दीजिएगा, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ वो सही है तो ही आगे बढ़ना है, ओके। यहां पर बात की जा रही है लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनके द्वारा अभी बोला गया कि कोई भी ऐसा वर्चुअल सेशन नहीं होने वाला है कि हाँ लोकसभा में जो पार्लियामेंट के अंदर आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में कि लोकसभा राज्यसभा की जो मीटिंग होती है क्या वो वर्चुअल मीटिंग की जा सकती है। बोला कि अभी कोई ऐसे डिमांड नहीं है, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यानी कि सांसद साहब जो है वो अभी इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, तो इसके चलते हो सकता है कि हमारी कंट्री में चीजें नहीं देखने को मिले, तो बाकी जो भी होगा वो आगे चेंज होगा तो उसके बारे में जानेंगे। अभी यहां पर आप लोगों को पता है इसके बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकते हैं, हमारी कंट्री में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काफी सारी अभी यहां पर रस्साकसी चल रही है कि चीजों को कैसे लेकर चलना है, काफी सारी जो फोर्सेस थी वहां पर डिप्लॉय भी की गई। तो जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहां पर जम्मू एंड कश्मीर, 5 अगस्त को यहां पर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 के अंदर चेंज किया गया, तो तब से लेकर यहां पर एक पर्टिकुलर अलायंस सामने निकल कर आया जिसको बोलते हैं गुपकर अलायंस। गुपकर अलायंस क्या बोल रहे हैं कि इसको किसके द्वारा 3-4 बातों पर फोकस किया गया है। एक तो ये बोला गया कि आर्टिकल 370 को फिर से रिस्टोर करो, दूसरा ये बोला गया कि जो यूनियन टेरिटरी आप लोगों ने यहां पर बना दी है अभी उसको फिर से स्टेट बनाओ, ठीक है, जो स्टेट का जो संविधान है उसको फिर से इंप्लीमेंट करो, यानी कि जैसा था यथा स्थिति में उसको बनाओ, ये इसके ऊपर यहां पर ये काम किया जा रहा है गुपकर अलायंस के द्वारा। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो भी लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो साथ में आ रही है मिलकर इस पर्टिकुलर मुद्दे को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो एक बेसिक मुद्दा भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार न्यूज में रहता है तो हल्का सा एक ओवरव्यू कम से कम माइंड में होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अभी बोला गया कि 127 जो लोग हैं अभी उनके ऊपर फाइन किया गया पर आर जिन्होंने कोविड-19 की नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया। तो दिल्ली के अंदर अभी देखने को मिला यहां पर अगर बात करें तो 5301 लोग जो हैं उन्होंने वॉयलेशन किया जो कि रिकॉर्ड किए गए हैं, बाकी के पता नहीं कितने हुए होंगे। तो यहां पर बोला जाए कि अगर आप लोग पर्टिकुलर इस ऑफिस में अगर आप लोग एक इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप लोग ऑफिसर हैं और यहां पर अगर एक ऐसी बीमारी जो कि लोगों की जान ले रही है और लोग जो है उसके रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप लोग क्या क्या प्रोविजन लेकर वहां पर उसको बेसिकली टैकल करोगे, यानी कि आप लोग किस तरीके से उसको टैकल करोगे, ठीक है।
तो एक तो सबसे बड़ी बात यहां पर ये जो फाइन है, जब फाइन होता है, फाइन अगर काफी कम होता है तो फाइन डिटरेंस क्रिएट नहीं करता है। पता चला यहां पर किसी ने मान लीजिए कोई यहां पर कोविड 19 की जो गाइडलाइन थी उसको फॉलो नहीं किया और फाइन लग रहा है वहां पर 100 रुपए, जो इंसान गाड़ी में बैठकर चल रहा है 100 रुपए उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जो इंसान साइकिल पर चल रहा है उसके लिए 100 रुपए बड़ी बात हो सकती है। तो इसके लिए अलग अलग आप लोगों को यहां पर फाइन लगाए जा सकते हैं, जैसे कि साइकिल पर चल रहा है तो 100 रुपए, अगर बाइक पर चल रहा है तो 500 रुपए, और अगर कोई गाड़ी में चल रहा है तो उसके ऊपर 5,000 रुपए, ताकि इंसान जो है गाइडलाइन फॉलो करने के बारे में सोचे और गाइडलाइन जरूर फॉलो करे। इसी तरीके से अवेयरनेस और लार्ज स्केल पर फैलाई जाए, क्योंकि इसकी वजह से दूसरे लोगों की जान जा सकती है। तो ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट नहीं, तुम जो रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम दूसरे की जिंदगी भी यहां पर खतरे में डाल रहे हो, क्योंकि कोविड 19 की जो म्यूटेशन चेंज हो रही है वो काफी खतरनाक है। तो आप लोग कम से कम ये जो चीजें हैं इनको फॉलो करना चाहिए। तो यहां पर कम से कम अगर कहीं भी बाहर जाते हैं तो अपना मास्क वगैरह डिस्टेंस रखिए, किसी को टच मत कीजिए, ये कुछ पैटर्न है कम से कम फॉलो कर सकते हैं। और घर पर आते ही पहले आप लोग अपने आप को साफ कीजिए, सैनिटाइज कीजिए, ठीक है। तो ये मुद्दे अगर फॉलो करोगे तो ही यहां पर चीजें बच पाएंगी। ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूं अभी मैं यहां पर, क्योंकि आज ही के न्यूज़पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, अभी यहां पर ये बोला गया कि थर्ड वेव के आने के भी चांस हैं, ठीक है। इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। यहां पर अभी बोला गया कि पेंडेमिक की थर्ड वेव आ सकती है, तो उसको भी कैसे टैकल किया जाएगा अगर ये कंडीशन चलती रहेंगी, तो ये समझने और वाला मुद्दा है थोड़ा, ठीक है। यहां पर बात की जाए तो अभी एक और इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहां पर, ये हमारी कंट्री में भी मास्टर प्लान लाया जा रहा है दिल्ली के लिए। तो दिल्ली के लिए मास्टर प्लान है यहां पर कितना, 2041 तक का। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि दिल्ली को कैसे डेवलप करना है। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा बोला गया था कि 24/7 दिल्ली को खोल के रखना है, यानी कि अगर यहां पर 24/7 दिल्ली खुल के रहेगी तो यहां पर अगर एक इंसान 8 घंटे जॉब करता है तो अभी यहां पर 8-8 घंटे और 2 इंसान जॉब कर पाएंगे, क्योंकि 3 शिफ्ट में काम होगा। तो जहां एक लोग जॉब कर रहा था अब वहां पर 2 और एक्स्ट्रा लोगों को जॉब मिल जाएगी, यानी कि एक ही पोस्ट पर 3 लोग काम कर पाएंगे यहां पर। तो यहां पर इंप्लॉयमेंट जो है वो काफी अच्छे लेवल पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो एक तो ये मुद्दा बोला गया था। इसी के चलते जो रोड पर यहां पर बस है या फिर मेट्रो है उनकी भी फ्रीक्वेंसी रात को मेंटेन रखने की बात की गई थी, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी जो काफी इंपॉर्टेंट बात चल रही है, क्या दिल्ली का जो मास्टर प्लान है 2041 का, वो यहां पर आगे अगर कोई ऐसा पेंडेमिक आता है, आगे कोई ऐसा डिजास्टर आता है, क्या उसको टैकल करने के लिए तैयार है? तो इसमें यहां पर बोला जा रहा है कि हां, इसके लिए को वर्किंग स्पेस बनाए जा रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में कि होम बेस्ड वर्क भी यहां पर स्टार्ट किया जाए कल को चलकर। मान लीजिए मैं बोलूं किसी को कि यार आज के डेट में बैठकर आप लोग घर से पीपीटी बनाकर दे दिया करो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई ऑफिस खोलना जरूरी है, ऑफिस का खर्चा करना कोई जरूरी है, ठीक है, ऑफिस का बिजली का बिल, ऑफिस का किराया। तो देखिए, अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी है, पहले ये चीजें अलाउ नहीं कर रही थी, उनको ये लगता था कि यहां पर ऐसे काम नहीं चलेगा, पर आज के डेट में लोग जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और मैं तो उसी दिन से आप लोगों को जो लेक्चर ले रहा हूं घर से बैठकर ले रहा हूं, आप लोगों को लगा किसी भी दिन की मैंने लेक्चर प्रॉपर वे में नहीं लिया है, आप लोगों को लगा है कि ऐसा कि ऑफिस की जरूरत पड़ रही है मुझे? हाँ, वो जरूरी है कि यहां पर कई सारे लोगों की जरूरत पड़ जाती है कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए, कोई फेसबुक पे लगा लो, एक किसी को ऐसे लगा लो, पर फिर उनकी सैलरी की बात पड़ती है। तो अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन घर से बैठ के काम करता है तो कर सकता है, ऐसी कोई बात है नहीं वैसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इस तरीके से अगर घर से काम करना स्टार्ट कर दें तो एक तो ऑफिस का खर्चा बच जाएगा, ठीक है, उसी के साथ में वहां पर ऑफिस के अंदर साफ सफाई वाला इंसान चाहिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बच जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे जो एडिशनल खर्चे हैं वो यहां पर बच सकते हैं अगर वर्क फ्रॉम होम इंसान कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है ट्रस्ट, कि वो इंसान जो है वो ट्रस्टवर्दी है, ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो वाली चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। पता चला घर पे बहाने बनाए जा रहे हैं, घर पे कई सारे कि आज ये हो गया कल को वो हो गया, ठीक है, तो फिर उसको निकाला जाए, अगला चल के फिर बहाने बनाए। ऑफिस में तो एक मजबूरी हो जाती है, जिसने कि क्लास ले रहे हैं आप लोग आज के में ऑनलाइन, तो क्लास अगर ऑनलाइन ले रहे हैं आप लोग कब मंथ के कब चला लिया आपके हाथ में रहता है, ठीक है। पर लेकिन अगर क्लास में जाकर बैठ जाओ कि मैं ऑफलाइन क्लास आपकी लेने लगूं, तो वहां पर आप लोग आकर बैठेंगे तो जिस टाइम मैं पढ़ाऊंगा उसी टाइम आप लोगों को प्रेजेंट होना पड़ेगा, वरना क्लास मिस हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इंसान को खुद ही अपने आप रेस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, ठीक है। एक ये जो मुद्दा है ये काफी ज्यादा न्यूज में यहां पर अभी निकल कर आ रहा है, हमारी कंट्री में पहला RRTS। RRTS क्या है बेसिकली, अभी यहां पर जिसको बोलते हैं, यहां पर इसको बोलते हैं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये दिल्ली से लेके गाजियाबाद से होता हुआ मेरठ तक पहुंच रहा है, यानी कि NCR वाले रीजन में कनेक्टिविटी बनाने का बात कर रहा है। 2023 तक का ये स्टार्ट होने वाला है, पहली तो इंपॉर्टेंट बात यह है, और हमारी कंट्री में पहला ऐसा सिस्टम है जो कि यहां पर ये रैपिड, जो कि बेसिकली जो रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेसिकली ऐसा रहेगा कि डिस्टेंस काफी कम कर देगा, जैसे आप लोग बोल सकते हैं कि लोकल एरिया में मेट्रो चलाना, उस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो यहां पर हेल्प कर रहा है इस पर्टिकुलर मुद्दे को इंप्लीमेंट करने के लिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां है ये आप लोग बताइए, पहला हमारी कंट्री में है, ये बेसिकली कमीशन किया जाएगा 2023 तक का, और प्रॉपर वे में जो चलना स्टार्ट हो जाएगा वो चलना स्टार्ट हो जाएगा 2025 तक का। तो NCR वाले रीजन में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए यहां पर ऐसे स्टेप यहां पर हमारी कंट्री में ये उठाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हल्का सा आइडिया कम से कम जरूर रखिएगा।
अभी यहां पर आप लोगों को पता है लक्षद्वीप के अंदर क्या कंडीशन चल रही है, तो कई सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, तो यहां पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि अभी यहां पर और भी जो पोस्ट है उनको रिमूव किया जा रहा है। रिकमेंडेशन ये है कि अबोलिश करने की बात की जा रही है। यहां पर जो जो बेसिकली प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं, अकाउंटेंट ऑफिसर होते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं, असिस्टेंट जो प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं, जूनियर इंजीनियर होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के अंदर, ठीक है, तो यहां पर इनको सबको अभी पोस्ट को खत्म करने की बात की जा रही है। तो बहुत सारे चेंजेस यहां पर अभी लक्षद्वीप के अंदर लाए जा रहे हैं जिसके चलते बार बार न्यूज में दिख रहे हैं। तो ये एक आइडिया आप लोग रख सकते हैं जिसके वजह से यहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए लक्षद्वीप के अंदर अभी काफी ज्यादा मुद्दे देखने को मिले। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर बेसिकली डेवलप करने की कोशिश कर रहा है लक्षद्वीप को मालदीव की तरीके से, एज ए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हब की तरीके से, पर लेकिन किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी वो समझने वाली बात होगी। अभी बात करें यहां पर, यह भी बात चल रही है कि जो MGNREG यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत जो लोगों को जॉब मिलती है उसके तहत अभी काफी सारे लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है क्योंकि बहुत सारे यहां पर अभी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है काम करने के लिए। तो उसी के चलते राजस्थान में बोला जा रहा है बहुत सारे लोगों को इसको ढंग से जॉब नहीं मिल पा रही है, तो उसको अलाउ करना चाहिए। तो हमारी कंट्री में आप लोग जॉब को पता ही है लेके क्या दिक्कत है, लोगों के पास में खाने के लिए खाना भी नहीं है, इस तरीके की सिचुएशन कई जगह देखने को मिल रही है। तो ये अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कैसे इंप्रूव करना है। अभी यहां पर बात करें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लाइन कर दिया गया है जो PG जो यहां पर मेडिकल एग्जाम था उसके लिए, ठीक है, उसको बेसिकली बोला गया था कि मेडिकल एग्जाम नहीं होना चाहिए, तो बच्चे ये बोल रहे थे, तो यहां पर कोर्ट के द्वारा इसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया। कोर्ट ने बोला कि यार अभी तो डेट भी डिसाइड नहीं हुई है, यानी कि बच्चा हुआ नहीं है, आप लोग सोच रहे हैं पहले से बच्चे का नाम क्या रखना है, ठीक है, तो अभी तो डेट भी डिसाइड नहीं हुई है, यहां पर किस तरीके से बोलूं कि एग्जाम को कैंसिल कराना है, ठीक है, जब डेट डिसाइड होगी तभी बोला जाएगा ना, डेट तो अनाउंस की नहीं है, आप लोग बोल रहे हैं एग्जाम को पोस्टपोन कर दो, तो कैसे पॉसिबल है आप लोग ये बताइए। तो ये एक छोटी सा मुद्दा है यहां पर ये। बाकी पार्लियामेंट के बारे में एक अभी इंटरव्यू हुआ यहां पर हमारी कंट्री के जो स्पीकर साहब हैं, तो वो स्पीकर है ओम बिरला साहब, तो इनका जब इंटरव्यू हुआ तो इनसे पूछा गया कि यहां पर अभी क्या हम लोग जो प्रोजेक्ट है हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का, इसको आप कैसे देखते हैं। तो इन्होंने बोला कि इसकी रिक्वायरमेंट है, 100 साल से ज्यादा पुरानी हमारी बिल्डिंग हो चुकी है, वो जर्जर हालत में है, और अभी 2026 में हम लोग को जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी पॉपुलेशन के हिसाब से, तो उसके चलते 2026 में एक नया डिलिमिटेशन कमीशन लाया जाएगा जिसके बेस पर और ज्यादा लोगों की संख्या बढ़ेगी यहां पर, तो इसके चलते हम लोग को जरूरी है कि इसको हम लोग बनाकर चले। पर लेकिन जो बात आ रही है मुद्दा है कि पेंडेमिक के चलते कि हम लोग इसको 5-6 महीने के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो उसके चलते यहां पर बात की, तो बोला कि सारी पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया था और ये जरूरी भी है, रिक्वायर्ड भी है इसकी, तो इसको इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसको इस तरीके से लेकर नहीं चल सकते हल्के में, ठीक है। तो ये बातें इनके द्वारा यहां पर बोली गई। अभी बात करें इंडिया के साथ में मिलकर यूरोपियन यूनियन में, यहां पर 3 जो इंडिया और 3 यूएन नेशन जो यूरोपियन यूनियन के नेशन है मिलकर यहां पर यूरोपियन यूनियन ये नेवल फोर्स EUNAVFOR, तो ये एक्सरसाइज देखने को मिली गल्फ ऑफ एडन के अंदर। तो इंडिया का जो है यहां पर INS जो त्रिकांत इसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। तो गल्फ ऑफ एडन है यहां पर आप लोग देखते हैं, ये हो गया यमन और ये हो गया गल्फ ऑफ एडन, ये इधर रेड सी हो गया और ये है अपनी कंट्री। तो यहां से कंपेयर कर आप लोग देखिए, ठीक है, जो पर्शियन गल्फ है यहां पर और यहां पर है गल्फ ऑफ ओमन, इसके बीच में एक पर्टिकुलर पॉइंट है उसका नाम तो बताइए जरा, जिसको एक स्टेट बोलते हैं कि दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। अभी 3-4 दिन पहले ही, कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस किया था, देखता हूं कितना याद है, इतना तो हक बनता है यार कि इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को बता दूं। रिविजन थोड़ा होता रहेगा, बेसिक पर्पज यही रहता है, और क्वेश्चन हमेशा वही पूछता हूं जो आप लोगों को पढ़ा चुका होता हूं, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं है उसी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले बिना पढ़ाए, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। थर्ड वेव बोला जा रहा है अक्टूबर में आ सकती है, और जिस तरीके कंडीशन है देश के अंदर अभी बहुत सारे जो केसेस हैं उनको फिर से काउंट करना बंद कर दिया गया है, मेडिसिन को भी अभी ढंग से रोल आउट नहीं किया जा रहा है, तो थर्ड वेव भी अक्टूबर में हिट कर सकती है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आप लोगों को प्रिवेंशन अपना करना पड़ेगा तो ही चीजें चल पाएंगी, वरना फिर से बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आएंगे। अभी बात की जा रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद में उसको जलाना है, दफनाना है या गंगा में बहाना है, ये इसमें स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट का कोई रोल नहीं है इसमें, इसमें तो उसके परिवार वाले डिसाइड करेंगे, तो इसमें स्टेट की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, स्टेट नहीं इंटरफेयर करेगा इसमें, ठीक है। तो बोला गया कि नो रोल फॉर स्टेट इन जो लास्ट राइट्स होते हैं, जो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया। किसके ऊपर बोला गया ये? ये बोला गया जो गंगा के अंदर जो बॉडी बह रही थी उसमें यहां पर ये केस निकल कर आया, ठीक है। पर लेकिन यहां पर मुद्दा ये बनता है कि क्या रियलिटी में वो कोरोना के केसेस थे, तो यहां पर अगर ये पानी में बहे जा रहे हैं तो वो जो वायरस है पानी के थ्रू मिलकर और लोगों तक पहुंचेगा और ज्यादा बेकार हो सकती है, तो उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को यहां पर स्टेप उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको यहां पर देना पड़ेगा। अभी ईरान न्यूक्लियर डील जो थी वो किसके द्वारा साइन की गई थी? तो बराक ओबामा के द्वारा साइन की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप अगर उससे बाहर निकल गए और अब जो बाइडेन ने जिसमें एंट्री करने की बात कर रहे हैं, पर लेकिन आगे आने वाले टाइम में रास्ता जो है वो आसान नहीं रहेगा, क्योंकि कंजर्वेटिव लग रहे हैं यहां पर जीतकर आने वाले हैं जिनका नाम है इब्राहिम राइसी, ठीक है। तो ये अगर जीतकर आ जाते हैं तो हो सकता है कि ये जो मुद्दे हैं ये थोड़े टाइट हो जाए, ठीक है, क्योंकि काफी लंबे समय से यहां पर जो चीजें चल रही थी
तो आगे आने वाले टाइम में जो ईरान के अंदर जो भी सैंक्शन लगे हुए उसको लेकर काफी ज्यादा चीजें चल रही थी और काफी सारी ऐसी कंडीशन बनी कि डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिमम प्रेशर की भी पॉलिसी यहां पर अपनाई कि ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर डाला जाए तभी ईरान जो है वो मुद्दे से आएगा। तो उसके चलते भी काफी ज्यादा ये न्यूज में था। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में भी आप लोग रखिएगा। अभी इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तो देखते हैं कौन ईरान के अंदर जो है यहां पर जीतकर आता है। प्राइम यहां पर बात करें तो जो बाइडन और जो पुतिन साहब है, जो यहां पर रसिया के जो प्राइम मिनिस्टर वल्दिमीर पुतिन और जो यहां पर बात करें जो बेसिकली जो बाइडन है यहां पर यूएसए के प्रेसिडेंट, अभी वो मिल रहे हैं यहां पर, तो कैसे चीजों को टैकल किया जा सकता है, बड़ा ही शानदार सा एक एडिटोरियल डिस्कस करूंगा इसके बारे में। डिटेल में आप लोग समझिएगा वहां पर क्या क्या बातें, तो अच्छे से पूरा मुद्दा समझाऊंगा सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। आगे चलते हैं, यहां पर यूएसए के द्वारा बोला गया 3.2 बिलियन खर्च करने की कोविड 19 की वैक्सीन को लेकर। तो इसके चलते आगे आने वाले टाइम में भी अगर कोई पेंडेमिक की थ्रेट आती है तो इतना पैसा यहां पर खर्च कर उसको भी टैकल करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कंट्री के अंदर और शानदार तरीके से। हमारी कंट्री में 1.2% करीब अभी हेल्थ पर खर्च होता है, जबकि बोला जाता है 3% कम से कम, या फिर अच्छी हेल्थ डेवलप करनी है तो 6%, पर लेकिन क्या हम लोग इतना खर्च पाएंगे, तो ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा रहता है हमारी कंट्री में। आप लोग ये बताइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जब आप लोग जाते हैं तो हेल्थ जो है वो कौन सा गोल है, ये क्वेश्चन आप लोग का है, ठीक है। तो ये भी अभी आप लोगों को कई बार ये तो बताता ही रहता हूं, इतनी बार डिस्कस करता हूं जिसकी कुछ हद नहीं है, फिर आएगा तो फिर डिस्कस करेंगे। तुर्की के द्वारा बोला गया कि काबुल, काबुल कहां है, कबूल कबूल कबूल, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर, मूवी देखी ना वो जो मूवी थी कौन सी थी जैसे बोलता है कबूल कबूल कबूल, तो यहां पर ये वाली चीजें हैं, तो अफगानिस्तान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली ये जो पोर्ट है तुर्की के द्वारा इसको लिया जा रहा है, क्योंकि अभी यूएसए वहां से बाहर निकल रहे हैं, तो नेटो जैसे ही यूएसए छोड़कर बाहर निकलता है तो क्या सिचुएशन वहां पर बनेगी, ये भी काफी बड़ा मुद्दा भी बना हुआ है। आगे बात करते हैं, श्रीलंका ने बोला है कि इंडिया को कि यार हमारी जो बेसिकली कंट्री के अंदर लोयन है वो बीमार हो गए कोविड 19 से, तो उसकी हेल्प करो, इंडिया को इसमें एक्सपर्टीज है तो इंडिया हेल्प करेगा यहाँ पर। मुझे लग रहा था कि मैंने कहा चाइना को बुला लो यार, चाइना ने ही तुमको दी है ये सारी चीजें कोविड 19, पूरी दुनिया को जो देन है वो चाइना की है, तो चाइना को बुलाओ, वैसे तो पैसे दे रहे हैं तुम्हारे जो जानवरों को भी चाइना बचाएगा आकर। बाकी ये ओसाका के द्वारा विंबलडन से स्किप कर दिया गया, यानी कि विंबलडन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर अभी रीजन क्या है, ओसाका जो है ये कभी ज्यादा न्यूज में भी थी, जापान की एक प्लेयर है, नाम है नाओमी ओसाका, तो ये डिप्रेशन का शिकार थी अभी, तो इनके चलते मीडिया से बात करने की बात कर मना कर दिया गया, तो उस टाइम पर काफी सारी बातें यहां पर देखने को मिली। तो यहां पर ये भी एक मुद्दा निकल कर आया कि ये जो प्लेयर हैं डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, क्या उनको मीडिया के साथ में इंगेज होना चाहिए, क्योंकि उसके चलते काफी सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये भी कुछ मुद्दे हैं जो कि आप लोग याद रखिएगा, डिप्रेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो इनका नाम आप लोग आसानी से बोल सकते हैं, कोई भी टेंशन देखने को नहीं मिलेगी आप लोगों के लिए, एक अच्छा उदाहरण यहाँ पर हो जाता है कि इतनी हाई क्लास प्रोफाइल जो क्रिकेट प्लेयर है, जो सॉरी वो यहाँ पर टेनिस प्लेयर है, वो भी अगर इस कैटेगरी में आके डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं, एक नॉर्मल इंसान कैसी जिंदगी से जी रहा है तो वो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे यहाँ पर मुद्दे। अब एडिटोरियल देखते हैं यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट है, दो एडिटोरियल काफी ज्यादा जिनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाकी देखते हैं। पहला जो एडिटोरियल है तो यहाँ पर क्या बताया गया है, इसमें बेसिकली बात की जा रही है, अभी सीबीएसई के द्वारा बता दिया है कि कैसे यहाँ पर बच्चों का जो रिजल्ट है वो आने वाला है। तो क्लास जो 10th है यहाँ पर ये, उसमें यहाँ पर पब्लिक जो बेसिकली एग्जामिनेशन किए गए थे बोर्ड के एग्जाम, उसके मार्क्स कैसे हैं, क्लास 11th में जो एनुअल टेस्ट हुए थे उसके मार्क्स कैसे हैं, और क्लास 12th में जो भी यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट हुआ है, प्रैक्टिकल्स हुए हैं या थ्योरी के जो टेस्ट हुए हैं, तो उनको सबको मिलाकर यहाँ पर 30% तो यहाँ पर जो नंबर मिलेंगे वो 10th से मिलेंगे, 30% नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे 11th से, और यहाँ पर 40% जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं अब तक की क्लास 12th में आप लोगों की कैसी परफॉर्मेंस रही है जो इंटरनल असेसमेंट के बेस पर, यानी कि टोटल 100% मार्क्स में से ऐसे डिसाइड यहाँ पर किया गया है। तो कई सारी कॉन्ट्रोवर्सी है, कई सारे लोग बोल रहे हैं कुछ ने करना पड़ेगा, ये सही है काफी हद तक। तो यहां पर आप लोगों ने सुना होगा ना कि पुराने कर्म अच्छे अगर बुरे जैसे भी हो सामने आते हैं, अच्छे कर्म अगर कर रखे होंगे 10वीं में अच्छे से पढ़ाई की होगी और 11वीं में अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आप लोगों को मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, उन्हें कहते हैं कि पास्ट जो है वो सामने आ जाता है। तो यहां पर ये बात साबित हो गई कि बच्चों का पास्ट जो है वो सामने आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। पर लेकिन अभी फिलहाल अगर बात करें, दिक्कत यहां पर यह कि अभी जो 12th के अंदर ये बोला जा रहा है कि कई सारे स्कूल जो हैं वो प्रॉपर वे में ऑनलाइन डेटा भी प्रोवाइड नहीं करा पाए, ऑनलाइन बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करा पाए, उसके 40% मार्क्स आप लोगों ने रख दिए हैं, तो ये तो कंप्लीटली स्कूल के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। अगर पता चला स्कूल ने कल को सही मार्क्स नहीं दिए तो फिर पेरेंट्स जो है स्कूल के ऊपर जाकर चढ़ेंगे, तो कई सारे मुद्दे यहां पर देखने को मिल सकते हैं। क्या इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाएगा तो ये आगे देखने को मिलेगा। वही है कि ऐसे कैसे बता सकते हैं, जब तक आप लोग पानी में कूदेंगे नहीं तो तैरेंगे कैसे, तो पानी में कूद के तो पता चलेगा, तो वो मुद्दा यहां पर सामने निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया पर्टिकुलर मुद्दा। बाकी यहां पर अगर बात करें, ये जो आर्टिकल है ये मेडिसिन के बारे में बात करें
कि मेडिसिन को लेकर एक बैलेंस बनाना चाहिए, किस तरीके से हेल्थ गोल्स है उनके बीच में, सप्लाई कैसे है, यानी कितनी मेडिसिन प्रोवाइड करानी है और कितनी अवेलेबल है, वो सारी बातें, ठीक है। तो मेडिसिन के बारे में, और ये भी यहाँ पर दूर दराज वाले एरिया में कैसे इलाज को पहुंचा सकते हैं, खासकर जहां पर एक नहीं है जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में, तो अभी हमने देखे ड्रोन के थ्रू यहाँ पर मेडिसिन प्रोवाइड कराया जाए, तो वो भी सारे मुद्दे हैं यहाँ पर। तो अगर कुछ भी टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है, अभी मैंने कल ही आप लोगों से एडिटोरियल डिस्कस किया था, वहां पर उसमें बताया गया था कि किस तरीके से हम लोग हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज कर सकते हैं, तो वो सारे मुद्दे हैं, ठीक है। बाकी का ये है रसिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में, तो इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है इसका वो भी देख लेंगे। इसी के साथ में ये है इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर यहां पर एक लड़का और लड़का, एक लड़की और लड़की शादी करते हैं तो वो क्या मुद्दा है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है LGBTQ कम्युनिटी, जिसको बोलते हैं यहां पर लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल और क्वीर कम्युनिटी। तो ये जो कम्युनिटी है, अगर ये आपस में बेसिकली शादी करते हैं, रहते हैं, तो इसके चलते क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि LGBTQ क्वीर कम्युनिटी जो है उनको नीड है कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ आना चाहिए, यानी कि उनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो सोसाइटी में, ऐसा कोई लॉ होना चाहिए और इंपावर कर सके उनको, ठीक है, ताकि अगर उनको रहना है अपने रिलेशनशिप में किसी भी तरीके से, तो वहां जेंडर ना देखा जाए कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो उनकी लाइफ है, उनको लीड करने दो, उसके अंदर इंटरफेयर ना करो। अगर उन्हें उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन आप लोगों को नहीं देखना है कि लड़का है लड़की है, बस आप लोगों को उनको साथ अगर रहना है, तो ये उनको हमारा संविधान हक प्रोवाइड कराता है कि अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से यहां पर ये जी सकते हैं, तो हम लोग इसके अंदर ऐसे इंटरफेयर न करें। तो ये आर्टिकल क्या लिखता है उसको समझ लेते हैं। अभी ये आर्टिकल क्यों आया, अभी आर्टिकल यहां पर ये आया क्योंकि काफी ज्यादा ये न्यूज में इसलिए हो गया क्योंकि हमारी कंट्री में कोर्ट में केस पहुंचा, तो कोर्ट में जब केस पहुंचा यहां पर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको अपोज किया गया, यानी कि जब कोर्ट में केस पहुंचा यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये सही नहीं है, एक बायोलॉजिकल मैन और एक बायोलॉजिकल वुमेन अगर साथ में आए तो मिलते हैं और फिर बच्चे होते हैं और उसी से सोसाइटी आगे बढ़ती है, अगर एक लड़की लड़की और एक लड़का लड़का साथ में आएंगे तो कैसे बच्चे पैदा कर पाएंगे, तो एक नॉर्मल पैटर्न जो सोसाइटी का चला हुआ रहा है वो खराब होगा, पहली बात। दूसरा, शादी जो है वो एक काफी पवित्र मानी जाता है हमारी कंट्री में, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, उसको कोई ज्यादा सीरियस लेना स्टार्ट नहीं करेगा, वैसे भी काफी ज्यादा डाइवोर्स के केसेस अभी देखने को मिल रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप जैसी एक नई मुद्दा सामने निकल कर आ रहा है। तो हमारी कंट्री में जैसे शादी को देखा जाता था, क्या शादी को आगे चलकर ऐसे देखा जाएगा, तो ये काफी बड़ा मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं आगे आने वाले टाइम के अंदर। सॉरी, यहाँ पर ये पेपर चेंज करना भूल गया मैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना, ये इंटरस्टेट रिलेशन के बारे में नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों से जीएस फर्स्ट में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, और जीएस सेकंड में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि इशू रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर, सोशल एम्पावरमेंट, जस्टिस और केसेस के बारे में, इंडियन सोसाइटी के बारे में, तो जीएस फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर केस आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फंडामेंटल राइट की अगर बात कर लें तो ये चेंज कर दूंगा जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे आप लोग, ठीक है, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा वहां पर, ओके। अभी यहाँ पर इसके बारे में समझ लेते हैं, यहाँ पर बेसिकली क्या क्या बातें की जा रही है और कहाँ से मुद्दे बन रहे हैं। ये मूवी भी देखी, इसी मूवी का नाम बताइए, देखता हूँ किस किस को पता है ये मूवी, अभी रिसेंटली यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में भी थी। अभी बात कर लेते हैं क्या क्या मुद्दे हैं। अगर बात करें हमारी कंट्री में अगर शादी नॉर्मली होनी है, तो हिंदू एक्ट है यहाँ पर, जो हिंदू मैरिज एक्ट हो गया 1955, इसी के साथ में स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया 1954। ये अभी अगर बात करें तो कुछ और आप लोग यहाँ पर देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट हो गया 1872, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन हो गया 1937। तो ये कुछ ऐसे लॉज हैं हमारी कंट्री में जिनके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोसाइटी में अपनी कंट्री के अंदर जो शादी विवाह होते हैं तो उसका जो हक है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन यहां पर सोसाइटी, हमारी गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर हम लोग इनके अंदर चेंज करते हैं, इतने सारे लोग के अंदर चेंज करते हैं, तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि इससे हमारे समाज पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो अल्लू साहब बोलते हैं ना इस मूवी में, तो बोलते हैं कि अगर ऐसा होगा तो इससे हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वही बात गवर्नमेंट बोल रही है कि इससे हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर इसको अलाउ हम लोग कर देते हैं। अब यहां पर जो गवर्नमेंट है और जो यहां पर पर्टिकुलर जो राइटर है उनके जो बेसिकली बातें उनको समझते हैं वो क्या क्या बातें बोल रहे हैं। हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोला गया, इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय जो दंड संहिता है उसके तहत, कि सेक्शन 370 को हम लोग डीक्रिमिनलाइज कर देते हैं, यानी कि अगर पहले कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता था उसको क्रिमिनल माना जाता था, पर लेकिन अब इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया तो आप लोग ऐसी हरकतें पब्लिक स्पेस में कर सकते हैं, कहने का मतलब यहां पर यह है। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर आप लोगों को लेजिटिमेशन मिल गई है यहां पर कि आप लोग यहां पर शादी भी कर सकते हैं, यानी कि अगर ऐसी हरकतें कोई कर रहा है तो क्रिमिनल नहीं उसको माना जाएगा, ये बोला गया। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सोसाइटी में कहीं पर भी ये चीजें करिए तो वो चीजें, यानी कि पहले पुलिस पकड़कर ले जाती थी वो नहीं होगा, पर लेकिन सोसाइटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो देखना पड़ेगा। तो उसको लेकर गवर्नमेंट यहां पर अड़ी हुई है, गवर्नमेंट ने बोला सोसाइटी में एक मोरलिटी है, अगर कल को इस तरीके की हरकतें पब्लिक प्लेस में देखने को मिलेगी तो इससे सोसाइटी का जो एक स्टैंडर्ड है उसमें दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी ऐसी बातें यहां पर कोर्ट के द्वारा, उसके गवर्नमेंट के द्वारा बोली गई। तो यहां पर जो एक पवित्रता है यहां पर शादी को लेकर वो यहां पर खतरे में आ सकती है। तो इसके चलते फंडामेंटल राइट आप लोगों को हक तो देता है, पर लेकिन ये ऐसा नहीं कि आप लोग सेम सेक्स मैरिज
स्टडीज को अलाउ यहां पर कर दें, तो इसके चलते कहीं पर भी फंडामेंटल राइट के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया गया कि सेम सेक्स मैरिज को आप लोगों को अलाउ करना है, तो ये बात बोली गई। और मैरिज जो है यहां पर ये बेसिकली लॉ के थ्रू हमारी कंट्री में टैकल किया जाता है, ये कंप्लीटली सोसाइटी के अंदर गलत माहौल क्रिएट कर देगा अगर हम लोग इसको अलाउ कर चलते हैं तो। यानी कि सेम सेक्स मैरिज जो है यहां पर ये फंडामेंटल राइट की तरीके से आप लोग इसको नहीं देख सकते और इसको सोसाइटी में इंक्लूड नहीं कर सकते इस तरीके से, क्योंकि बायोलॉजिकली जो नेचुरली भी आप लोग यहां पर ये देखेगा ये गलत है, ठीक है। तो ये यहां पर कोर्ट में बेसिकली गवर्नमेंट अपनी बातें रख रही है। पर लेकिन अगर हम लोग इसको मुद्दे को ढंग से समझेंगे, अभी समझते हैं पहले लीगल, अगर बात करें लीगैलिटी के बारे में सेम सेक्स मैरिज के बारे में, तो देखिए राइट टू मैरी इज नॉट जो यहां पर रिकॉग्नाइज किया गया ना तो फंडामेंटल राइट है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इंडियन संविधान के अंदर, ये गवर्नमेंट बोल रही है, ठीक है। इसी के साथ में बोला जा रहा है कि वेरियस स्टैट्यूटरी हमारी कंट्री में लो है, जो मैंने अभी दिखाया ना आप लोगों को कि इनके बेस पर आप लोग शादी को आगे लेकर चल सकते हैं, तो ये ऑलरेडी हमारी कंट्री में लॉ बने हुए हैं, तो इनके बेस पर एक स्टैट्यूटरी स्टेटस है। और अगर कोई स्टैट्यूटरी लॉ बनाते हैं तो यहां पर कोर्ट भी बाइंडिंग होते हैं, कोर्ट को भी फॉलो करना होता है क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया और संविधान का हनन भी न्यूज में हो रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 141 के तहत यहां पर 141 के तहत कोर्ट को भी यहां पर बातें माननी पड़ेगी। अब यहां पर राइटर बोलते हैं कि तुमने अपनी बातें बोल ली, अब मैं बोलू तो राइटर अब अपनी बातें बोल रहे हैं। राइटर बोल रहे हैं कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक केस था जिसमें बातें की गई, मैरिज एज ए फंडामेंटल राइट बोला गया, ये यहां पर था सैफिन जहान वर्सेस ये अशोकन जो केएम का केस था यहां पर वर्सेस जो 2018 में अदर्स का, इसमें बोला गया यहां पर बेसिकली मैरिज को फंडामेंटल राइट की तरीके से देखना है। क्यों? क्योंकि राइट टू मैरिज जो है यहां पर ये पर्सन की चॉइस है और ये इसको बोला गया राइट टू लाइफ का पार्ट है। जब ये राइट टू लाइफ का पार्ट बन गया आर्टिकल 21 के तहत, तो ये पार्ट थर्ड में आप लोगों के पहुंच गया फंडामेंटल राइट में। फंडामेंटल राइट में कहां से कहां तक है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। तो आर्टिकल 21 जो है यहां पर ये राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ ही आप लोगों को राइट टू प्राइवेसी देता है और प्राइवेसी को भी ऑलरेडी केस पुत्तास्वामी केस के बाद में फंडामेंटल राइट बनाया जा चुका है। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो राइट टू मैरिज भी फंडामेंटल राइट बन चुका है यहां पर अगर बात करें केस के हिसाब से। आर्टिकल 16 जो है यहां पर ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के बारे में बात करते हैं और पुत्तास्वामी केस की भी बातें करें तो इनको मुद्दे को लेकर यहां पर ये बातें की जा रही है। आर्टिकल 16 जो है यहां पर बेसिकली 16 का जो टू पार्ट है वो बोलता है कि देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि यहां पर आप लोग कोई मतभेद नहीं कर सकते हैं कि ये उस रिलीजन का इस रिलीजन का है, कोई सी रेस है, कौन सी कास्ट है, कौन सा सेक्स है, इनके मेल या फीमेल है, कहां पैदा हो रखे हैं, क्या डिसेंट है, ये सारी चीजें आप लोग कहीं पर भी उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो लड़का लड़का और लड़की लड़की अगर आपस में रह रहे हैं तो आप लोग उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो आर्टिकल 16 है वो इस चीज को अलाउ करता है, तो फिर आप लोग क्यों इसके अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये यहां पर अभी राइटर बोल रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर रह गया कि एलजीबीटी कम्युनिटी एंटाइटल जो यहां पर एंटाइटल टू ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यहां पर वो कब बोला गया? वो बोला गया नवतेज सिंह जो जोहर वर्सेस स्टेट ऑफ जो इंडियन यूनियन का केस था 2018 का, उसमें बोला गया कि सारे संवैधानिक हक जो है एलजीबीटी कम्युनिटी को मिल रहे हैं, तो एलजीबीटी कम्युनिटी आपस में शादी क्यों ना करें, तो ये बोला गया। तो एक तरीके से फुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनके पास में कि संविधान के तहत उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, तो इक्वल प्रोटेक्शन मिलती है उनको भी, वहां पर आप लोग उनको इंटरफेयर नहीं कर सकते उनकी लाइफ में कि वो लड़के के साथ में रह रहे हैं फिर लड़की के साथ में रह रहे हैं। तो एलजीबीटी कम्युनिटी जो है वो यहां पर उनके लिए हम लोग को एंटी डिस्क्रिमिनेशन कोई लॉ लाना चाहिए ताकि वो लिव इन रिलेशनशिप में या फिर अपना शादी को किसी भी तरीके से लेकर चलती हैं। और हम कोई पहली कंट्री नहीं है इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं, डोजन यानी कि 12 से करीब दर्जनों कम जो यहां पर एक लगभग 2 दर्जन के करीब यानी कि 24 के करीब जो कंट्री है वो अब तक यहां पर इसको इंप्लीमेंट कर चुकी है। और राइटर ने यहां पर कई सारी कंट्री के उदाहरण भी देते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में इसको अलाउ किया गया, जहां पर साउथ अफ्रीका में लिखा था कि शादी में मेल और फीमेल शादी करेंगे, वहां पर बोल दिया गया है अब यहां पर एक तरीके से ह्यूमन, यानी कि एक तरीके से यहां पर बोला सकते हैं कि मेल और फीमेल को हटाकर यहां पर बेसिकली पर्टिकुलर आप लोग इंसान की बात कर सकते हैं, ठीक है, दो पर्सन बोला जा सकता है यहां पर जिनको पहले मेल और फीमेल आप लोग बोलते थे। इसी के चलते यहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी चेंज किया गया इसके अंदर में, ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स के अंदर भी चेंज किया गया, यूएसए के अंदर भी चेंज किया गया, तो बहुत सारी कंट्री जो है वो इसके हिसाब से चेंज करती हुई नजर आ रही है। तो आप लोग इस तरीके से आज के बोला गया 29 के करीब जो कंट्री है वो इसको लीगलाइज कर चुकी है सेम सेक्स मैरिज को, ठीक है, तो यहां पर 2 दर्जन से ऊपर कंट्री लीगलाइज कर चुके हैं, तो हम लोग इसको लीगलाइज क्यों नहीं कर सकते, ये यहां पर मुद्दा निकलकर आ रहा है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, लीगलाइज करना चाहिए या फिर नहीं, अगर आप लोगों से मैं पूछूं आप लोग क्या आंसर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है शेर की सवारी कैसे करनी है, ये आप लोगों को दिखाता हूं मैं। यहां पर बात की जा रही है बाइडेन के बारे में और पुतिन के बारे में। जो बाइडेन है ये यूएसए के प्रेसिडेंट है और जो पुतिन है ये है यहां पर किससे रिलेटेड, ये है यहां पर रिलेटेड किससे, रशिया से, ठीक है। तो रशिया के जो काउंटर पार्ट है यहां पर इनके द्वारा दोनों के द्वारा मीटिंग की गई और ये बोला गया कि यार चलो अपने जो मुद्दे हैं उनको सुलझाते हैं और आगे लेकर चलते हैं। तो यूएसए और रशिया सामने है, बोला कि प्रैग्मेटिक एक लेवल पर रिड्यूस करनी चाहिए टेंशन को और आगे लेकर चलना चाहिए। अगर बात करें जनेवा में समिट हुई यहां पर स्विट्जरलैंड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, तो कई सारे ऐसे मुद्दे रहते हैं यहां पर ये।
तो इनको बेसिकली प्रेग्मेटिक टोन देखने को मिली दोनों को कि हम मिलकर काम करते हैं। इससे पहले पुतिन के द्वारा, पुतिन को बोला गया था बाइडन के द्वारा कि तुम किलर हो, यानी कि रसिया को किलर बोला गया था। लोवेस्ट लेवल पर रिलेशन पहुंच गए, एक दूसरे के एम्बेसिडर भी बुला लिए कंट्री से, उल्टी सीधी हरकतें हो गई सारी। पर लेकिन अब जो है यहां पर ये चीजों को नॉर्मल करने की बात करें, आखिर मुद्दा खराब कहां होना स्टार्ट हुआ? यूएसए के द्वारा एक्यूज किया गया, यानी कि आरोप लगाए गए रशिया के ऊपर कि आप लोगों ने हमारे इलेक्शन में इंटरफेयर किया है, यानी कि इलेक्शन जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है उसमें आप लोगों ने इंटरफेयर किया है, आप लोगों ने साइबर अटैक लॉन्च किए गए हमारे ऊपर, आप लोगों ने यहां पर कोई क्रिटिसाइज अगर आप लोग कर रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर उसका गला घोटा गया है, यानी कि किसी को प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे यहां पर। जैसे कि अभी रशिया के अंदर जो है कोई भी इनके खिलाफ नहीं रहता है नॉर्मली देखा जाए तो। मॉस्को के द्वारा बोला गया कि हर कंट्री के अंदर जाकर इंटरफेयर करते हो तुम, ठीक है, तो बदतमीजी कर रखी है तुमने, तुम किसी के भी पचेड़े में जाकर टांग अड़ाते हो। तो ये बात बोली गई रशिया के द्वारा और यूएसए के ऊपर आरोप लगाते हुए। तो डिफरेंस होते हुए भी फिर भी चीजों को आगे लेकर चलना है, तो ये एक अच्छी बात है यहां पर, ठीक है। आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी के, और इसी के साथ में अगर बात करें तो हमारी कंट्री में और भी कई सारे लीडर के बीच में मतभेद थे, और काफी हद तक तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जवाहरलाल नेहरू जी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बीच में मतभेद थे। जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में अगर बात करें तो ज्यादातर अंबेडकर साहब भी कोई ज्यादा पटती नहीं थी, ठीक है, तो फिर भी देश के हित में मिलकर सारे काम करते थे। तो इसी तरीके से यहां पर देश के हित में दोनों आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बाइडेन साहब के बारे में बोला जाए तो उनके द्वारा बोला गया कि एक तरीके से यहां पर प्रिडिक्टेबल और रेशनल, यानी कि एक तरीके से पहले से अनुमान लगाया जा सके और तर्कसंगत यहां पर आप लोगों को व्यवहार रखना पड़ेगा। तो इसी के साथ में पुतिन ने बोला कि मुख्य रूप से व्यवहार जो है वो एक तरीके से प्राइमरली प्रैग्मेटिक होना चाहिए, तो एक मुख्य व्यवहारिक रूप आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। तो दोनों के एम्बेसडर एक दूसरे के कंट्री में आ रहे हैं, स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी की बात की जा रही है डायलॉग के बीच में, और आर्म कंट्रोल के ऊपर भी बात करने की बात कर रहे हैं। पर फिर भी ये ऐसा नहीं कह सकते बहुत बड़ा चेंज हो गया है, ये तो जो सोचने वाली बात है वही किया गया, कोई बड़ा चेंज नहीं कर दिया। अब आगे इनको और अच्छे लेवल पर काम करना चाहिए और ये काम कर सकते थे, तो इच्छा प्रदर्शित करनी चाहिए थी और अच्छे लेवल पर काम करने की, लेकिन ऐसा आउटपुट ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिला। अगर स्ट्रक्चरल इशू के बारे में बात करें, यूएसए और रशिया के बीच में कई सारे मुद्दे हैं। रशिया जो है यहां पर वो बेसिकली जब सोवियत यूनियन का एंड हुआ 1990s में, तब से लेके यहां पर यूएसए एक पावरफुल कंट्री निकल कर आया, पर लेकिन रशिया की जो एसर्टिव पॉलिसी है, यानी कि जो दबंग फॉरेन पॉलिसी है पुतिन साहब की, वो भी कंटिन्यू है। एक तो नेटो को लेकर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिसको वेस्ट की पुलिस बोला जाता है, तो इसके चलते यहां पर उसका एक्सटेंशन हो रहा है, वो यूरोप के अंदर घुस रहे हैं आकर काफी लार्ज स्केल पर, ठीक है। इसी के साथ में जो यहां पर बात करें तो वेस्ट जो है वो यहां पर जो प्राइमरी अगर बात करें थ्रेट की तरीके से देखा जाता है इनके द्वारा, तो इसके चलते जो एंड हुआ जॉर्जिया वॉर का, वहां पर चीजें कुछ यहां पर दिक्कत में आई। फिर यहां पर क्रीमिया का इशू हुआ 2014 में, वहां पर रशिया को G8 से भी बाहर निकाल कर फेंक दिया गया, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर जो स्टेप है फिर भी है, पुतिन को डरा नहीं पाए, यानी कि बहुत सारे हरकतें पुतिन के साथ में की गई, पर पुतिन क्या है, वो शेर की सवारी करने वाला इंसान है, उसको इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इसके चलते यहां पर अभी चीजों को कैसे लेकर चलना है वो बातें यहां पर देखने की कोशिश की जा रही है। तो टाई जो है उसको ढंग से लेकर चलना पड़ेगा एक तरीके से, अगर चीजें समझनी है, ठीक है, क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर नीचे पहुंच गई थी रशिया की जो इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस जो यूनिट है वो साइबर अटैक के तौर पर, ऑनलाइन कैंपेन के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को प्रेजिडेंट सपोर्ट करने की कोशिश की गई इनके द्वारा, तो उसके चलते रिलेशन लो लेवल पर पहुंचे। तो अब बाइडन और पुतिन जो है इनको रिजोल्व कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन ऐसा नहीं कि पहली मीटिंग में ही रिजोल्व कर लेंगे, तो आराम आराम से इनको आगे बढ़ना चाहिए और रिजोल्व के मुद्दे पर काम करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए जो भी यहां पर जो क्रिटिकल सिचुएशन है उसको, और जो सीरिया के अंदर जो मुद्दा अभी बना हुआ है, सीरिया में यूएसए और रशिया जो है आमने सामने रहते हैं, तो उसको भी ये शांति में ला सकते हैं, तो ये भी एक मुद्दा अभी सामने निकल कर आया। यूएसए के बारे में बात करें यहां पर, एक अगर बात करें तो यहां पर एक तरीके से निराशावादी देखने को मिलती है जब भी यहां पर बात करें रशिया की फॉरेन पॉलिसी के साथ में, तो यूएसए को थोड़ा सा आशावादी होना चाहिए, क्योंकि रशिया को हमेशा वो नेगेटिव तरीके से देखता है। अमेरिका को यहां पर रशिया को नेगेटिव तरीके से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि रशिया भी एक टाइम पर पावरफुल कंट्री था, तो वो चाहता है उसकी ग्लोरी फिर से वापस आए, ठीक है, फिर से वो है एक तरीके से आगे निकले, एक पावर बने। अमेरिका जो ऐसा नहीं चाहता है, नॉर्मल बात है, पर लेकिन चाइना अब ज्यादा मुद्दा बन गया है अमेरिका के लिए। तो अमेरिका जो है वो लाइक करे चाहे ना करे, रसिया जो है वीक होते हुए भी एक पावरफुल पावर कंट्री तो बना हुआ है ही है, क्योंकि पुतिन एक ऐसा इंसान है, ठीक है, पुतिन को ये बोलते हैं कि ये इंसान जो है उम्र बढ़ने के साथ साथ में जवान होता जा रहा है। आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा, ये इंसान बूढ़ा नहीं हो रहा है ये इस तरीके का इंसान है। अगर बात करें आगे यहां पर, तो रशिया की जो खो गई है इसकी, जो एक हमारी जैसे हम सोने की चिड़िया हमारी लूट गई, तो उसी तरीके से ये चाहते हैं इसको फिर से वापस लाया जाए, पर लेकिन इसके लिए इनको वेस्ट के साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा, लड़ना नहीं है। तो इससे चलते जो एक तरीके से जो हॉस्टिलिटी वाला जो इन्वायरमेंट है, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट बना है, वो छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर नॉर्मल रिलेशन होंगे। तो रशिया और अगर इसके अच्छे रिलेशन होते हैं तो इंडिया के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम लोग S-400 सिस्टम रशिया से खरीद रहे हैं और यूएसए हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने की बात करें, काफी ज्यादा वेपन हम लोग रशिया से खरीदते हैं, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है रशिया,
बींग ए पार्टनर। 1971 की वॉर में आप लोगों को पता है रशिया ने हमारी हेल्प की थी जब यूएस से पाकिस्तान की साइड में खड़ा हुआ था, तो इसके चलते रशिया एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर के तौर पर भी है, यानी कि रशिया के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, ये यूएसए की तरह धोखा देने वाला इंसान नहीं है। ठीक है, तो ये भी मुद्दा है। ओके, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर मैंने आप लोगों से टोरिस स्टेट के बारे में पूछा था, तो आंसर क्या है? आंसर है यहां पर सी, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनिया। ठीक है, आप लोग यहां पर देखते हैं, ये हो गया पपुआ न्यू गिनिया, इसी के साथ में ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर टोरिस स्टेट। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। अराफुरा सी भी आप लोग यहीं पर ही देखने को मिलेगा, इसी के बीच में। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं उनके आंसर आप लोग जरूर दिया कीजिए, काफी ज्यादा जरूरी है, तो उनके आंसर जरूर दीजिए। पीडीएफ सारी यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। लेक्चर कैसा लगा इसको आप लोग जरूर बताइएगा, अगर आप लोगों से रेट देने को बोला जाए, और बाकी पीडीएफ आप लोग जाकर यहां से डाउनलोड कर ही लेना, और अगर लगता है कि किसी को पढ़ा सकते हैं तो जरूर पढ़ाइएगा, आप लोगों को दिल से सुकून मिलेगा और दूसरों तक भी चीजें शेयर कर सकते हैं अगर लगता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।